लोक कल्याणकारी रचनात्मक कार्यों के लिए सदा समर्पित शिवातारी महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ की पवित्र भूमि श्री गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में 17 जुलाई 2005 में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार डॉक्टर सीपी ठाकुर द्वारा उच्चीकृत ब्लड बैंक की स्थापना की गई थी। इसी परिपेक्ष में गुरुवार को ब्लड बैंक में 15वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर रक्तदान शिविर तथा रक्तदाता सम्मान का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। यह जानकारी गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय के रक्त कोष प्रभारी डॉक्टर अवधेश अग्रवाल ने दी। उन्होंने बताया कि आरंभ से ही यह ब्लड बैंक निरंतर प्रगति की ओर बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में ब्लड बैंक कंपोनेंट कंप्यूटरीकृत बायोमेट्रिक पूर्णतः स्वचालित इलाइजा उपकरण ग्रुपिंग एवं क्रॉस मैचिंग जेल तकनीकी द्वारा प्लेटलेट एफोरेसिस ऑटोमेटिक सेल सेपोरेटर कंपोडॉक इत्यादि सुविधाओं के साथ ब्लड बैंक पूरे पूर्वांचल के साथ निकटवर्ती राज्य बिहार में रक्त की आपूर्ति करते हुए नित्य अपनी सेवाओं को उच्च गुणवत्ता युक्त एवं जनोपयोगी साबित हो रही है। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि ब्लड बैंक द्वारा लगभग 4 लाख यूनिट रक्त एवं रक्त अवयवों की आपूर्ति कर प्रदेश में यह एक कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। ब्लड बैंक में 100 रक्तदाताओं एवं समाजसेवी संगठनों की अहम भूमिका होती है। इन्हीं के दिए हुए रक्त द्वारा ब्लड बैंक थैलीसीमिया प्लास्टिक एनीमिया कैंसर गुर्दा रोगी या किसी गंभीर मरीजों के प्राणों की रक्षा होती है। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि गुरु श्री गोरक्षनाथ रक्तकोष आभारी है। भारतीय जनता पार्टी की गुरु द्वारा श्री जटाशंकर इनर व्हील क्लब रोटरी क्लब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं का जो समय समय पर रक्तदान शिविर का आयोजित करते रहते हैं। कोविड-19 महामारी को देखते हुए सुरक्षा एवं बचाव के लिए आवश्यक निर्देशों के अनुसार रक्तदाताओं तथा उनके परिजनों का अनुपालन भी कराया गया।